हवा लगा रहा। ये देख रहे हैं, ये है टाटा के मेगा एक्सेल मिनी ट्रक, टाटा एस मेगा एक्सेल। इसको लिए हमको हो गया 3 से 4 साल हो गए, 3 साल हो ही गया पूरा। इसका आप टायर की बात करें, ये बहुत अच्छे टायर है इसका। कितना कितना है, 165 का आर है और 14 है। ये देख सकते हैं पीछे डाला का भी बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिल जा रहा है आपको। और क्या है ये ड्राइव के लिए पावर स्टीयरिंग, जिसको 2 बार ही घुमाने पर फुल कर जाता है ये। और इसका ये क्या बोलते हैं उसका पावर गियर ही, ये बहुत अच्छा गियर ये भी। एक्सीलेटर भी पावर है। आपका स्पीड का बात करें तो आपको, चलो मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है। हमने लगा लिए चाबी, अब करते हैं ऑन। ये देखिए, ये टाटा का मेगा एक्सेल गाड़ी है। ये एक बहुत अच्छा गाड़ी है, मिनी ट्रक है ये। अब लगाते हैं फर्स्ट गियर। ये देखिए दोस्त, ये है, अब ये प्लेन है एक, और ये डेड फुल। ये बहुत पावर स्टीयरिंग मस्त है ये, इसका स्टीयरिंग तो। इसका पिकअप का बात करें हम, पिकअप का बात करें तो बहुत अच्छा है। अभी हम लोग कई दिन से इस गाड़ी को नहीं चलाई, थोड़ा जाम कर रहा है, बारिश भी हो रही थी। चलिए अब चलते थोड़ा। स्पीड देखिए इसका 10 में 2, बीस में 3। फिर इसका पिकअप देखिए आप, बहुत अच्छा पिकअप गाड़ी है। स्पीड 40 का पकड़ लिया ये चालक है, लेकिन रोड नहीं है मेरे यहाँ, छोटा सा रोड है। लगा दो तो इसका स्पीड बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत अच्छा है। कहीं भी जाओ आप लॉन्ग ड्राइव के लिए भी है, बहुत अच्छा है गाड़ी। ये देखिए अभी तक अभी 3 का 3 पर है। हमारे इधर रोड अच्छा नहीं है, इसलिए हम आपको ज़्यादा स्पीड में नहीं चला कर दिखा सकते हैं, ऐसे ही दिखा सकते हैं आपको। अब ये लगाने जा रहे हैं हम, 4 नंबर लगाने वाले हैं, लेकिन सॉरी पूरा स्पीड कम, पहले हट जाना था यार इसको। क्या पकाते भाई, चलो इधर जाओ। ये देखिए, ये है एक्सीलेटर, इसको दिए हैं, अगर नहीं भी देंगे ना गाड़ी ऑटोमेटिक ये भागते ही रहेगा। देखिए इसको दिए हैं, या फिर से स्पीड पकड़ा, दिखाएंगे आपको, अच्छे समझाएंगे। अरे भैया हटो ने यार, अरे हटो भाई। ये देखिए कहीं पर आपके सामने में, चाहे आदमी हो या ऐसे गाय गरवा कुछ भी कुत्ते, तो आपको हारने में काम नहीं आया। तो आपको एक्सीलेटर है, उसमें हाई वाइब्रेशन कर सकते हो, उसके जरिए से आप ना सामने बैठे कुछ भी को भगा सकते हो जल्दी से और आसानी से। अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर अब हम वापस जाने वाले हैं। अरे सामने देखा, इतनी छोटी सी रोड है, यहीं पर मुझे मोड़ना है। मैं अब मोड़ूंगा कहाँ से, सामने से। ये तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं मोड़ लूंगा, ये उतना भी बड़ा नहीं है मेरे लिए। अब हम मोड़ेंगे यहाँ से गाड़ी को, बैग ले जाएंगे, ये वाला जगह अच्छा लगा।
मोड़ेंगे हम यहाँ से, छोड़ो। अभी से आगे बहुत छोटा जगह, छोटे जगह पर अच्छा चुका है, बहुत चुका। कैसे अभी छोटी अरे अभी देखो पीछे पीछे वाला भाई, अरे भाई पीछे देखा, भाई माने पूरा नीचे आगे पीछे पूरा दोनों खाइए भाई, हम कैसे पूरा मोड़ रहे हैं देख सकते हो। कभी तक करो कब से कभी नहीं आने का करो भाई हमको। चलो भाई जी बहुत डर लग रहा है हमको। अगला क्या नंबर, अगला क्या तीन नंबर। अब चलते हैं अच्छे से घर, गाड़ी चलाओ तो एनर्जी आती बहुत अच्छा। और जिसको जिसको गाड़ी नहीं है मतलब सीखे, जो जो गाड़ी अभी नहीं अभी तक ऐसा गाड़ी नहीं सीखो वो मेरे पास आ जाना, मैं रोज सुबह शाम कर पूरा आपको सिखा दूंगा। मैं मैंने एक बार मेरा कोई नहीं सिखाया, एक ड्राइवर भैया था और एक मेरे घर का भैया था, उसको सिखा रहे थे, मैं देख देखकर उसको मैं सीख गया था, मैं चलाया नहीं था, मैं चलाना जब स्टार्ट किया तब चला, अभी तक कोई गलती नहीं, कोई नहीं, मैं भगाता भी हूँ, अच्छा चलाता भी हूँ, मजा आता है। और फिर जाता अरे हाँ चलिए ये देख सकते हैं दृश्य बहुत साफ खड़ा भरा मस्त बादल किया हुआ है। हम आगे भैया आपको बताएंगे मछली पकड़ना छोटे से नहर पर, रोड का ये एक बाबा का रोड है जिसको बंदे बंदे तीन से चार साल बाकी हमारा किसान लोग उधर बाकी छोड़ो वो सब जाने है। ये हमारा एक और सामने में आ गया, घर आ गए हम। ये है भाई। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।